बसमिल्ल रामीम जी स्टूडेंट्स वंस अगेन आई वेलकम यू टू लेक्चर नंबर एट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्कस जी जी स्टूडेंट्स कैसे चल रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्कस के लेक्चर्स मुझे उम्मीद है कि वो सारा मटीरियल जो कि हम लोगों ने पिछले सात लेक्चर्स में डिस्कस किया आप उसको बहुत अच्छी तरह से ग्रैप कर चुके होंगे और हम इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता स्लोली विल कीप ऑन ग्रैबिंग द कॉन्सेप्ट कीप ऑन मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स द डेप्थ ऑफ कम्प्यूटर नेटवर्कसटूडेंट्स आज का लेक्चर शुरू करने से पहले हर लेक्चर की तरह एक बार पीछे चलेंगे टूवर्ड्स लेक्चर नंबर सेवन आई विल ट्राई टू गिव असट वी वेंट थ्रू इन लेक्चर नंबर सेवन स्टूडेंट्स हमने पिछला लेक्चर जो है उसकी डिस्कशन को स्टार्ट किया विद स्टरिंग द शेयर कम्युनिकेशन चैनल थोड़े से मैंने आपको लोकल एरिया नेटवर्कस के एडवाटेज जो हैं उनसे आगाह किया We talked a little bit about the advantages or the good things that, it, that are actually attached with having a, a network in a small premises, with having a local area network. Or technical reasons that what are the technical reasons behind not using the shared communication channel for a wide area network, or for long distance communication? कुछ बैंडवेट की प्रॉब्लम थी ओवरऑल लॉन्ग डिस्टेंस डिस्टेंस हम लोग बैंडवेट जो है उसको प्रोवाइड नहीं कर सकते इतनी ज़्यादा बैंडवेट जो कि लोकल एरिया नेटवर्क्स के केस में पॉसिबल है कुछ मैंने आपको और भी रीज़न बताया एक कि बेसिकली इन शेयर्ड कम्युनिकेशन चैनल वी नीड कोऑर्डिनेशन एंड कॉर्डिनेशन रिक्वायर्स कम्युनिकेशन तो लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर कॉर्डिनेशन की जो कम्युनिकेशन होती है उसमें इतना टाइम स्पेंड हो जाता है नॉर्मली के इट इज़ लेफ्ट ओवर द लेफ्ट ओवर टाइम इज़ वेरी स्मॉल टू एक्चुअली सेंड द डाटा After that, students, we jumped into the discussion of another major reason why lands are very important, and that was the locality of reference principle, the basic or the fundamental principle of computer networking. uske students, principle, we have two major parts, which we studied. The first part is, of course, the temporal locality of, of uh, reference, and I have told you in detail that this part is the locality of reference principle. स्पेसिफिक पार्ट में हम लोगों ने ये डिफाइन किया था कि एक नेटवर्क में जो आपका कंप्यूटर है इट बेसिकली मोर ऑफन इट इट कम्युनिकेट्स विद द कंप्यूटर्स दैट इट कम्युनिकेट्स वंस और ट्वइस यानी एक ही कंप्यूटर के साथ अगर कंप्यूटर जो है वो कम्युनिकेट कर लेगा या इन्फॉर्मेशन की एक्सचेंज करेगा तो बार बार उस कम्प्यूटर के साथ वो कम्यूनिकेट करेगा उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोगों ने दूसरा मेजर पार्ट ऑफ दिस प्रिंसिपल जो था उसको हम लोगों ने स्टडी किया एंड दैट वॉज द स्पेशल और द फिज़िकल लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस यानी कि कम्प्यूटर इज़ मोर लाइकली टू कम्युनिकेट विद द कम्प्यूटर्स दे आर प्रेजेंट कलोज टुगेदर ह्यूमन कम्युनिकेशन से हम लोगों ने इस लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस प्रिंसिपल की एग्जाम्पल को कोट किया कि ये एफ आई ए जैसे कि ह्यूमन कम्युनिकेशन जो है वो हम एवरीडे लाइफ में कैरी ऑन करते हैं उसके बाद स्टूडेंट्स वी जम्प इन टू द डिस्कशन ऑफ द लोकल एरिया नेटवर्क टेपोलॉजी हम लोगों ने कुछ तीन बहुत इंपॉर्टेंट किस्म की नेटवर्क टपोलॉजी तो को सिलेक्ट किया द फर्स्ट वन वॉज ऑफकोर्स अ स्टार देन वॉज अ रिंग एंड देन वॉज अ बस स्टूडेंट्स रिंग की थोड़ी सी डिस्कशन की कुछ फिगर्स से मैंने आपको रिंग नेटवर्क के बारे में बताने की कोशिश की कुछ थोड़ा सा हमने टाइम दिया टू अ स्टार नेटवर्क एंड सिमिलरली वी टॉक्ड अबाउट अ बस टू इन तीनों बेसिक लैंड टोपोलॉजीज की डिस्कशन हम लोग बहुत डिटेल में कर चुके हैं जबकि हमने इन तीन टेपोलॉजीज और इन से इनके अलावा कुछ और टेपोलॉजीज भी स्टडी की थी इन द कोर्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन छोटा सा मैंने आपको रिव्यू पिछले लेक्चर में भी दिया देन स्टूडेंट्स वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट आर फर्स्ट एग्जाम्पल नेटवर्क आर रियल टाइम टेक्नोलॉजी दैट इज इथरनेट बेसिकली इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ बस्ट टपोलॉजी और इथरनेट के बारे में मैंने आपको बेसिकली बताया कि कैसे ये जीरोक्स और फिर डी एंड देन इंटेल दे मर्ज टुगेदर टू डिफाइन द स्टैंडर्ड्स एंड देन आई ट्रिपली जम्पड इन और फिर 802.3 ऑल द स्टैंडर्ड्स आर नाउ डिफाइंड आउट देयर फिर मैंने कुछ आपको अगर आपको याद हो तो कुछ सेगमेंट की बात की एक बेसिक केबल की बात की ईथर की बात की हम लोगों ने कुछ मैक्सिमम लेंथ मैंने आपको बताई उस सेगमेंट की कि मीटर्स जो है दैट इज़ द मैक्म पॉसिबल लेंथ ऑफ अ सेगमेंट ऑफ एन ईथर सेगमेंट फिर सेपरेशन के बारे में भी कुछ पढ़ा के उस सेगमेंट के ऊपर द मैसीमम पॉसिबल सेबरेशन बिटवीन टू कम्प्यूटर्स इट शुड बी अप्रॉक्सीमेटली थ्री मीटर्स यानी उस सेगमेंट के ऊपर कंप्यूटर्स जो हैं वो तीन मीटर से क्लोज जो हैं एक दूसरे के वो हम नहीं लगा सकते वी हैव टू है एटलीस्ट थ्री मीटर्स बिटवीन टू मशीन्स ऑन दैट इथरनेट उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोगों ने एक टॉपिक को स्टार्ट किया कि जिससे हम आज के डिस्कशन को आगे कैरी ऑन करेंगे एंड दैट स्पेसिफिक टॉपिक वॉज सी एस एम ए सी डी हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बेसिकली जो डिस्कशन स्टार्ट की थी दैट वॉज ऑफ सी एस एम एब स्टूडेंट जब हमने सी एस एम ए की बात शुरू की थी तो मैंने आपको बताया था कि सी एस एम ए इज बेसिकली एब्रविएशन फॉर कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस और कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस की डिस्कशन को हम लोगों ने स्टार्ट करते हुए मैंने आपको ये भी बताया कि कैरियर सेंस से हमारी क्या मुराद है और मल्टीपल एक्सेस से हमारी क्या मुराद है स का कॉन्सेप्ट आपको दिया कि बेसिकलीफिक टेक्निक बस हमारी है उस परस तरह से पैकेट या फ्रेम्स को सेंड करेगी इट वुल बेसिकली ट्राई टू सेंस एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल ऑन टू दैट बस उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को हम लोगों ने कैरियर का नाम दिया था और मैंने आपको यह भी बताया था कि जो कैरियर है दिस कैरियर इज नॉट द स्पेसिफिक कैरियर दैट वी वेंट थ्रू इन द टॉपिक ऑफ मॉड्यूलेशन ऑफ कोर्स इट स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम दैट कैरियर बट वी जस्ट कॉल इट इन द कॉन्टेक्सट ऑफ दिस स्पेसिफिक इथर्न टेक्नोलॉजी वी कॉल इट एज अ कैरियर अब स्टूडेंट्स जब हम हम लोगों ने इस इस कैरियर की बात की थी तो मैंने आपको यह भी बताया था कि बिकॉज हमारा इथरनेट के केस में वी हैव अ बस टेक्नोलॉजी वी हैव अ सिंगल बेस टू विच डिफरेंट मशीन्स अटैच तो हम लोग क्या यूज कर रहे हैं इस बस के केस में वट वी आर डूंगी आर यूजिंग अयर्ड कम्युनिकेशन चैनल और जब भी हम शेयर्ड कम्युनिकेशन चैनल की बात करेंगे तो ये तो तय है कि कोई ऐसा निज़ाम कोई ऐसी टेक्नीक कोई ऐसा प्रोसीजर होना चाहिए कि जिसके जरिए डिफरेंट मशीन्स जो हैं दे केन हैव द एक्सेस टू दैट स्पेसिफिक चैनल अगर सारी मशीन्स एक ही वक्त में उस चैनल को यूज़ करने की कोशिश करें या उस पैकेट पे उस उस चैनल पे अपने पैकेट्स भेजने की कोशिश करें तो अल्टीमेटली वी आर नॉट गोइंग टू गेट एनी यूजफुल इंफॉर्मेशन बट ओनली नॉइज तो स्टूडेंट्स इस स्पेसिफिक पॉइंट से हम लोगों ने अपनी डिस्कशन को जो है वो ख़त्म किया था लास्ट लेक्चर में अब यह कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस जो है ये शुड नो वट डू वी मीन बाई कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस एक बार फिर ब्रीफली इस कॉन्सेप्ट को रिपीट कर देता हूँ और फिर हम इस टेक्निक के सी एस एम ए सी डी जो एक्सेस टेक्नीक है इसके दूसरे पार्ट की जानब चलेंगे एंड दैट पार्ट इस कलेजन डिटेक्शन मैंने आपको बताया था सी एस एम ए सी डी तो जो लास्ट का सी डी है दैट स्टैंड फॉर कोलेजन डिटेक्शन सी एस एम ए को दोबारा ब्रीफली एक्सप्लन करूंगा इथरनेट की एक्सेस टेक्नीक है ये और इथरनेट की एक्सेस टेक्नीक कैसे है कि डिफरेंट कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू दैट इथरनेट नेटवर्क

स्पेसिफिक टेक्निक के साथ बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस भी अटैच हैं एंड वन ऑफ दोज कॉम्प्लिकेशंस जो है उसकी बात हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट की थी और वो कॉम्प्लिकेशन क्या है व्हेन टू कंप्यूटर्स एट द सेम टाइम दे एक्चुअली डिसाइड टू सेंड समथिंग ओवर टू दैट बस और जब ये होगा तो क्या होता है कि दोनों पैकेट जो हैं वो आपस में कोलाइड करेंगे एंड अल्टीमेटली वट आर वी गोइंग टू गेट वी आर गोइंग टू गेट नोइस एंड नथिंग एल्स अब ऑफ़ कोर्स इस तरह के कोलेजन जो हैं बेसिकली आपको यह पता होना चाहिए कि वेन यू आर ट्राइंग टू सेंड सम स्पेसिफिक स्टफ ओवर टू दैट इथरनेट केबल तो स्पेसिफिक केस में ये जो हमारी इथरनेट केबल है ऑन दैट स्पेसिफिक केबल वी हैव द पैकेट देर आर ट्रेवलिंग विद अप्रोक्सीमेटली सेवेंटी परसेंट ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट और स्पीड ऑफ लाइट है हमारे पास थ्री इंटू टेन मीटर्स पर सेकेंड एंड दैट इज अज quantity. तो so बेसिकली what happens इज जब इतनी स्पीड के ऊपर आपके packets या आपकी information जो है आपकी बेट्स जो हैं वो आपस में कोलाइड करती हैं तो what happens? The data is garbled. अब स्टूडेंट इफ इफ garbled डाटा की जब हम बात करेंगे तो किस तरह से इससे डील किया जाए The technique that we are going to utilize is known as collision detection (CD). The second part of CSMA or the access technique और थ इथरनेट स्टूडेंट जब हम बात करेंगे सी एस एम एस सी डी की तो इस कॉन्टेक्स में मैं आपको यह बताना जरूरी समझता हूं कि वेन यू टॉक अबाउट दिस स्पेसिफिक कोलिजन तो उस केस में क्या होगा ये होता किस तरह है हाउ डज दिस कोलिजन एक्चुअली हैपन मैंने आपको लास्ट टाइम भी एक्सप्लेन किया था टू कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू द इथरनेट एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली बोथ ऑफ दिस कंप्यूटर्स डिसाइड टू सेंड समथिंग ऑन टू द ईथर इसको सेंड करने से पहले क्या करेंगे दोनों कैरियर के लिए उसको सेंस करेंगे द फर्स्ट पार्ट कैरियर सेंस दे विल फाइंड नथिंग ऑन टू दैट ईथर अब अगर दोनों के सेंड करने की जो स्पीड है इट इज इन मिली सेकेंड्स तो वट्स कन हैपन अल्टीमेटली बोथ द इन्फॉर्मेशन और बोथ द फ्रेम्स और बोथ द बिट्स एक्चुअली डेटा दैट इज एक्चुअली कमिंग फ्राम बोथ द मशीन्स देइंग टू क्लाइड आप स्टूडेंट जब हम इस क्वालिजन की बेसिकली बात करेंगे तो इस स्पेसिफिक केस में आपका जो कंप्यूटर है वंस इट विल सेंस दैट स्पेसिफिक कोलिजन वो कैसे कोलेजन को सेंस करेगा इन दैट स्पेसिफिक केस वन हैपन जैसे ही ये कम्प्यूटर डाटा ईथर के ऊपर भेजेगा वो उस वक्त तक उस कंप्यूटर को उस ईथर को चेक करता रहेगा

वो अपने आप को रोक लेगा फ्रॉम सेंडिंग दू दबल अब क्या करेगा डेटा अगेन इट विल ट्राई टू सेंड फॉर द बस अगर वहां पर कोई कैरियर नहीं होगा ट्राई सेंडिंग द डाटा वंस अगेन इस बैक ऑफ इस प्रोसीजर को जिसमें क्या करता है वो एक्चुअली यू नो टू लेक्ट दैट रैंडम नंबर फ्रॉम जीरो मैक्सिमम अमाउंट डी इस प्रोसीजर को हम कहते हैं बाइनरी एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ़ क्या ये जो हमारा बैक ऑफ़ का प्रोसीजर है इज इट कम्प्लीटली प्रोटेक्टेड फ्रॉम कोलेजन वंसूटर है क्या होता है लेट सपोज दो कंप्यूटर्स का डेटा आपस में कोलाइड हुआ अब दोनों ने क्या किया बोथ ऑफ़ देम वेड एंड सिलेक्टेड अ रेंडम नंबर फ्राम ज़ीरो टू डी एक रेंडम टाइम सेलेक्ट कर लिया उन्होंने जीरो से डी जो कि मैक्सिमम है उसके दरमियान ये भी तो हो सकता है कि दोनों ने जो टाइम सेलेक्ट किया हो वह एक दूसरे के बराबर हो वह एक दूसरे से इतना करीब हो कि वेन वन कम्प्यूटर आफ्टर दैट टाइम स्पैन वन कम्प्यूटर सेंट्स द डाटा तो दूसरा कम्प्यूटर भी उसी टाइम में अपना डेटा जो है वो उसको बस के ऊपर भेज दे फिर क्या होगा स्टूडेंट दिस विल रिजल्ट इन एन अदर इस केस में बट द स्टैंड अगर एक डी, यानी एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ़ के बाद एक और कोलिजन जो है वो रिजल्ट हो तो इन दिस स्पेसिफिक केस वट हैपेंस? द कंप्यूटर्स नॉर्मली डबल द डिले टाइम द डबल दैट डिले टाइम फ्रॉम जीरो से टू टू डी यानी पहले आपका कंप्यूटर जो था एक दफा क्वालिजन हुआ आपके कंप्यूटर ने रैंडम टाइम सिलेक्ट किया फ्रॉम अ रेंज बिटवीन 0 एंड d लेट्स सपोज एन हैपेंस नाउ द कंप्यूटर इज गोइंग टू सिलेक्ट और द मशीन इज गोइंग टू सिलेक्ट अ टाइम फ्रॉम द रेंज 0 टू 2d फॉर एग्जांपल अगेन अलिजन हैपन्स नाउ इट्स गोइंग टू डबल इट्स अगेन नाउ इट्स गोइंग टू सिलेक्ट अ टाइम फ्रॉम जीरो टू फोर डी

और कोलिजन जो हैं बहुत फ्रिक्वेंटली उस ट्रैफिक पे होते हैं उसके लिए ये ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट एक्चुअली एवॉड्स सबसिक्वेंट कोलिजन स्टूडेंट्स ये तो हमारा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था सी एस एम ए सी डी का एंड दिस स्पेसिफिक टेक्निक इज़ एक्चुअली अटैच्ड विद द इथरनेट बस टेक्नोलॉजी अब स्टूडेंट्स हम लोग जब इस इथरनेट लैन की बात कर रहे हैं जब हम लोकल एरिया नेटवर्क की बात कर रहे हैं तो बेसिकली हाउ कैन वी लीव ऑफ समथिंग दैट हैज टू डू विद द वायर्डलेस आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ मैं कि वायरलेस इज द टॉक ऑफ द डे कुछ शुरू के लेक्चर्स में जब लोगों ने इंट्रोडक्शन स्टार्ट की थी तो मैंने आपको बताया था कि बेसिकली द वर्ल्ड इज मूविंग टू वर्ड्स वायर्स आर असल सो पीपल आर थिंकिंग वाई नॉट गेट रेड ऑफ दीज वायर्ड्स इट्स मोर ऑफ अ वायरलेस वर्ल्ड तो फिर किसी तरह से हम लोगों को ये जो लैंड टेक्नोलॉजी है इसको भी कंबाइन करना है विद द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ वायरलेस तो डू वी हैव एनी टेक्नोलॉजी दैट एक्चुअली इनकॉर्पोरेट्स वायरलेस विद द लोकल एरिया नेटवर्क्स यस वी डू एंड द नेम इज वायरलेस लैंड एंड द स्टैंडर्ड फॉर आई ट्रिपली फॉर दिस वायरलेस लैंड इज ए जिस तरह से इथरनेट के लिए आई ट्रिपली डिफाइन द स्टैंडर्ड इसी तरह से वायरलेस लैंड के लिए वी हैव दू टू डॉट इलेवन अब स्टूडेंट्स क्या बेसिक फर्क है वायर्ड लैंड में जिस तरह की इथरनेट की एग्जाम्पल हमने पढ़ी और वायरलेस लैंड में स्टूडेंट देश गाइडेड मीडिया इन देश वी यूज एन गाइडेड मीडिया इस वक्त आपको गाइडेड और अनगाइडेड का फर्क जो है ये मालूम होना चाहिए हम लोग किसी वायर्ड कनेक्शन को यूज़ करने के बजाय वे यूज आर एफ द रेडियो फ्रिक्वेंसी और इस आर एफ के साथ एक चीज़ और जो है वो जो ज़रूरी है वो क्या है कि बेसिकली एवरी मशीन विल बी एक्विप्ड विद एन एंटीना एंड दैट स्पेसिफिक मशीन विल बी टॉकिंग टू द अदर मशीन्स और इट विल बी टॉकिंग टू द स्पेसिफिक सर्वर या फिर कोई एक्सेस पॉइंट आपके पास होगा जिस तरह सेंट्रल हब थी हमारे स्टार के, के केस में In this case, we are going to have an access point. And that access point is going to be somewhere that is central to that location. Her computer pass passapna antenna hoga and that computer is going to be communicating on RF with that access point and all the other machines in that local area network. Students' range is a, is a big factor when you talk about the wireless. Everything starts with the range of a wireless network.

We don't actually need such a large range. As soon as we talk about range, basically the frequency factor jumps in. As our old wireless LANs, the older wireless LANs, they actually when they started off, this technology actually started off. So we basically used the frequency of 900 megahertz, and the data rate that was given was two megabits per second. Now, 900 megahertz frequency pay, two megabits per data rate although it was good enough in those times but it is relatively slow of course Ethernet wired connections is slow but 2 megabits per second is extremely slow the, the, the today's wireless LAN such as 802.11 and when I talk about 802.11 specific version 802.11b we also call it wi -Fi hai, Wi and then Fi Wi-Fi the technical name specified by IEEE स्टूडेंट्स ये जो वाई फाई हमारे पास टेक्नोलॉजी है दैट बेसिकली ऑपरेट्स एट 2.4 पॉइंट फोर गीगा हर्ट्स एंड द डेटा रेट दैट इज बींग प्रोवाइडेड एज एलेवन मेगाबेट्स पर सेकेंड अब स्टूडेंट्स एलेवन मेगाबेट्स पर सेकेंड इज ऑफ कोर्स बेटर दैन द टू मेगाबेट्स पर सेकेंड इन द केस ऑफ ओल्ड वायरलेस लैंड इसके अलावा देर इज अनदर टेक्नोलॉजी द वायरलेस लैंड टेक्नोलॉजी दैट इज नोन एज ब्लूटूथ और ब्लूटूथ के हम लोग बेसिकली डिटेल्स में नहीं जाएंगे बट आपको पता होना चाहिए कि इट इज़ अ वायरलेस लैंड टेक्नोलॉजी And it is used for communication over short distances. Students, this is the introduction of si wireless LANs introduction. Now we will talk about the specific concept of excess technique in the case of wireless LANs. We have talked CSMA CD ki to baat ki in the case of Ethernet Lands. But in this specific case, I because you are working in the radio frequency, यू आर नॉट यूजिंग अ गाइडेड मीडिया तो इस केस में देर आर मैनी ऑफ स्टेकल्स जब भी आप रेडियो फ्रिक्वेंसी की बात करेंगे तो रेडियो फ्रिक्वेंसी इज नॉट ऑलवेज ट्रांसमिटल टू एवरीवेयर दैट यू वॉन्ट टू गो ऑफकोर्स वेर एवर अ मेटल शील्ड कम्स जो आपकी रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स हैं आर एफ वेव्स दे आर गोइंग टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड जब भी आप कॉन्क्रीट वॉल के क्रॉस इसको ट्रांसमिट करने की कोशिश करेंगे इट विल बी ऑबस्ट्रक्टेड तो so, जब आपकी आरएफ जो है उसमें ये लिमिटेशंस जो है वो आ जाती हैं तो इन दैट स्पेसिफिक केस यू कैन नॉट यूज सी सीडी। एम सीडी के कॉन्सेप्ट में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि ये इस कॉन्सेप्ट में बेसिकली ऑल द मशीन शेयर अ स्पेसिफिक चैनल बाई लुकिंग और सेंसिंग अ कैरियर अब इस केस में अगर हमारे एक लोकल एरिया नेटवर्क में

That collision detection version of CSMA that cannot work with wireless LANs. So, what are we supposed to do? There is another version of CSMA or the, this specific access technique that is known as CSMA CA carrier sense multiple access with collision avoidance. Of students, this specific technique, mein, CSMA CA, mein. basically what happens is instead of sensing a carrier.

इस केस में भी जो कि मैंने आपको सी एस एम सी डी केस में बताया था इट विल बैक ऑफ एंड इट विल री ट्राई दिस ट्रांसमिशन वंस अगेन तो स्टूडेंट्स ये तो था थोड़ा सा कॉन्सेप्ट द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द एक्सेस टेक्निक सी एस एम ए सी स्टूडेंट्स इस स्पेसिफिक केस में भी हम कोलेजन एवॉइडेंस को यूज़ कर रहे हैं बट स्टिल कोलेजन्स कैन हैपन अब कोलेजनस की क्या क्या डिफरेंट केसेज हो सकते हैं आइए जरा स्लाइड की जाने चलें और मैं एक स्लाइड से और फिर एक फिगर से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि हाउ कैन वी स्टिल हैव कलेजन इन दिस वर्ल्डेस्ट नेटवर्क वेन वी आर यूजिंग अलेजन एड वर्ड टेक्निक अब स्टूडेंट्स एज यू कैन सी ऑन द स्लाइड आप ये देखें कंप्यूटर वन टू और थ्री तीन कंप्यूटर्स हमारे पास हैं इस स्पेसिफिक वर्ल्ड लैन पे और इस केस में आप ये भी देख सकते हैं कि द कंप्यूटर्स आर सेपरेटेड बाई द मैक्सिमम डिस्टेंस पॉसिबल एंड इट इज गिवन बाय डी स्मॉल डी अब स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें तो इन दिस स्पेसिफिक केस अगर कंप्यूटर वन जो है कंप्यूटर टू को कुछ भेजना चाहे तो कंप्यूटर वन और कंप्यूटर थ्री जो हैं दे आर बेसिकली सेपरेटेड बाई सच ए डिस्टेंस कि कंप्यूटर थ्री को ये पता नहीं चलेगा कि कंप्यूटर वन वॉन्ट्स टू सेंड सम थिंग ओवर टू टू इस केस में क्या होगा कि अगर कंप्यूटर वन और कंप्यूटर थ्री दोनों अपना जो डाटा है वो कंप्यूटर टू को भेजने की कोशिश करें तो आ कोलेजन विल रिजल्ट एट कंप्यूटर टू कि जिसके बारे में ना तो कंप्यूटर वन को पता चलेगा और ना ही कंप्यूटर थ्री को पता चलेगा एंड ओनली कंप्यूटर टू विल नो दैट अ कोलेजन हैज़ डन आउट हियर ऑन ऑन इट्स प्रेमिस स्टूडेंट्स पर इस लिमिटेड जो हमारे पास कनेक्टिविटी है उससे बचने का क्या तरीका तो इन क्वालिजन को हम थोड़ा सा और डिफाइन करेंगे इससे पहले के टक्निक हम लोग डिवाइस करें बेसिकली इस केस में हमने क्या ज्यूम किया इस फिगर से कि आपको जो रिसीवर है जो कि के इस केस में कंप्यूटर टू है दैट में रिसीव साइमल्टेनियस रिक्वेस्ट अब सैमल्टेनियस रिक्वेस्ट जब इसे आएंगी फॉर एग्जांपल कंप्यूटर वन जो है उसने भी रिक्वेस्ट भेजी कि मुझे एक स्लॉट दो आई वॉन्ट टू सेंड यू समिंग सिमिलरली कंप्यूटर थ्री ने भी एक रिक्वेस्ट भेजी कि मुझे एक स्लॉट दो आई वांट टू सेंड यू समथिंग अब इस अगर रिक्वेस्ट दोनों रिक्वेस्ट एक ही टाइम पे दे अराइव एट कंप्यूटर टू तो दे विल रिजल्ट इन अ कोलेजन इसके नतीजे में क्या होगा बोथ रिक्वेस्ट आर गोइंग टू बी लास्ट एंड नीदर ऑफ द ट्रांसमीटर विल रिसीव द रिजरवेशन एंड बोथ विल यूज़ बैक ऑफ एंड देन री ट्राई इसके अलावा सामल्टीनियस रिक्वेस्ट के अलावा रिसीवर मेंल्सो रिसीव क्लोजली स्पेस्ड रिक्वेस्ट जिनके दरम्यान टाइम स्पेन बहुत कम हो तो इस केस में रिसीवर क्या करेगा इट विल एक्चुअली सिलेक्ट वन ऑफ द रिक्वेस्ट कंप्यूटर टू एक रिक्वेस्ट को सेलेक्ट करेगा सेलेक्टेड ट्रांसमीटर जो है या कंप्यूटर वन या फिर कंप्यूटर थ्री वो अपना मैसेज जो है वो भेजेगा और ट्रांसमीटर जिसको सेलेक्ट नहीं किया गया इट विल यूज बैक ऑफ एंड इट विल री ट्राई सो बेसिकली दिस इज़ हाउ यू डील विद द एक्सेस टेक्निक और एक्सेस प्रोसीजर्स इन द केस ऑफ वायरलेस लैंड्स बाई यूजिंग द टेक्नोलॉजी ऑफ सी एस एम ए सी ए अब स्टूडेंट्स दिस वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ वायरलेस लैंड्स और इससे पहले कि हम लोग इस बस फॉर्मेशन को या बस टेपोलॉजी की हम जो जो डिटेल्स हम लोग स्टडी कर रहे हैं इसको क्लोज डाउन करें वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्मॉल टेक्नोलॉजी दैट ऑलडो इज नॉट सो पॉपुलर बट इट इज एक्चुअली यूज्ड इन अ वाइड रेंज ये टेक्नोलॉजी है लोकल टॉक अप जब हम लोकल टॉक की बात करते हैं तो बेसिकली दिस वॉज इन्वेंटेड बाई एप्पल कंप्यूटर्स Apple computers—it's the same company that actually invented the Macintosh computers, your yeah, Mac computers, in you It's the same company that invented those computers. Local talk, it's, its basically it works on the same principle as a bus, but it uses CSMA/CA. Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance. So it's not necessary that only wireless LANs use the concept of Collision Avoidance. उसको यूज़ करें योर वायर टेक्नोलॉजीज कैन ऑल्सो यूज द कोलिजन अवॉइडेंस कॉन्सेप्ट अब स्टूडेंट जब आप लोकल टॉक की बात करते हैं तो बेसिकली द मेजर डिसएडवाटेज विद द लोकल टॉक इज दैट द डेटा रेट इज़ ओनली टू थर्टी पॉइंट फोर किलोबिट्स पर सेकेंड अभी टू थर्टी पॉइंट फोर किलोबिट्स पर सेकेंड जो है ये इट इज ओनली अप्रॉक्सीमेटली टू पॉइंट थ्री परसेंट ऑफ द इथरनेट स्पीड आप स्टूडेंट्स इसी लोकल टॉक का एक एडवांटेज भी है कि बेसिकली इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे लोकल टॉक सॉफ्टवेयर फॉर लोकल टॉक एंड द हार्डवेयर फॉर इट दे बेसिकली कम फ्री विद द मैक कंप्यूटर्स अगर आप एक मैक कंप्यूटर खरीदें एप्पल कंप्यूटर्स का तो बेसिकली इन दैट स्पेसिफिक केस यू आर गोइंग टू गेट अ फ्री लोकल टॉक आप तीन चार मैक्स को आपस में बड़ी ईजिली इंस्टॉल कर सकते हैं एंड यू हैव अ लोकल एरिया नेटवर्क और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बेसिकली इट यूजेस सी एस एम ए सी ए कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलेजन एवॉयस वही टेक्निक जो कि ए टू टू डॉट एलेवन वायरलेस लैंड में हम लोग यूज करते हैं स्टूडेंट्स ये तो था लिटल बेट अबाउट द लोकल टॉक नाउ वी गोइंग टू मूव ऑन टू आर नेक्स्ट टपोलॉजी एन एग्जाम्पल नेटवर्क फॉर द नेक्स्ट टोपोलॉजी And those networks are ring networks. Token ring network. Ki students baat karein. Students, I that when you talk about ring network ki baat in that specific case, the data actually travels from one computer to the other, and so on. Each computer passes this data on its way in a ring, in a closed loop. Absolutely, in this specific case, may be,

के जरिए आपको डिटेल से समझाऊंगा कि किस तरह से हम लोग इस टोकन को यूज करते हैं स्टूडेंट्स जैसा कि आप स्लाइड पे देख सकते हैं कि बेसिकली यू हैव अ रिंग नेटवर्क इन दिस केस अ टोकन रिंग नेटवर्क इन दिस केस और आपके पास कुछ छ मशीन्स हैं जो कि इस टोकन रिंग नेटवर्क में अटैच हैं अब इस केस में जैसे मैंने आपको पहले बताया कि रिंग इज बेसिकली ट्रीटेड एज अ सिंगल शेयर्ड कम्युनिकेशन मीडियम और जो बिट्स हैं आपकी दे पास फ्रॉम द ट्रांसमीटर

So you have to have a token before you can actually transmit one frame of the data over onto the ring. Absolutely, see sender basically that is holding the token. It transmits bits of frame, and the computers that don't have token, they just pass the bits. They don't do anything. They don't process anything onto the data. They just pass the data on. The destination that makes a copy and then passes this data onwards. इसी तरह से सेंडर जो है वो क्या करेगा कि इट विल बेसिकली रिसीव द बेट्स ऑफ दिस फ्रेम एंड इट विल बेसिकली चेक वेदर द बेट्स आर द सेम दैट इट एक्चुअली ट्रांसमिटेड इन द इन द वेरी फर्स्ट प्लेस या फिर उनमें कोई एरर है अगर कोई एरर है तो द नेक्स्ट टाइम इट गेट्स द टोकन इट्स गोइंग टू ट्रांसमिट वंस अगेन स्टूडेंट्स हम समराइज़ करते हैं इस डिस्कशन को कि जब भी किसी कंप्यूटर ने टोकन रिंग नेटवर्क पे ट्रांसमिशन भेजनी होगी या कोई डेटा सेंड करना होगा तो इट इज सपोज तो टू वेट फॉर द टोकन आफ्टर द ट्रांसमिशन द कंप्यूटर ट्रांसमिट्स दिस टोकन बैक ऑन टू द रिंग और आपका जो अगला कंप्यूटर है दैट एक्चुअली वांट्स टू ट्रांसमिट समथिंग दैट विल रिसीव दैट टोकन एंड देन ट्रांसमिट्स दैट टोकन फॉरवर्ड्स अब स्टूडेंट्स इस स्पेसिफिक केस में टोकन तो रिंग हमारा जो नेटवर्क है दैट ऑल्सो प्रोमिस द फेयर एक्सेस वो किस तरह फेयरनेस किस तरह से हम इंट्रोड्यूस कराते हैं इस टोकन रिंग नेटवर्क में वो इस तरह कि एवरी टाइम अ मशीन रिसीव्स अ टोकन इट इज़ परमिटेड टू सेंड द डेटा बट इट इज ओनली परमिटेड टू सेंड वन फ्रेम एट अ टाइम सो ड मैटर इफ यू अ मशीन हैज हंड्रेड फ्रेम्स टू सेंड एवरी टाइम इट गेट्स द टोकन इट कैन ओनली सेंड वन फ्रेम एंड देन इट इज सपोज टू पास द टोन बैक ऑन टू द रिंग अब स्टूडेंट टोकन जो है बेसिकली टोकन डज नॉट टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड द रीजन फॉर दैट इज That token is basically a short reserved frame and that does not appear in the data because there is only one token. So, there, there is supposed to be a token present in the token ring network. token Sometimes it is lost. So, the hardware must regenerate the token if it is lost. Now, aapko pehle hai, it only gives the computer permission to send one frame. If जो कि उस टोकन रिंग नेटवर्क के साथ अटैच हैं इफ दे आर रेडी टू ट्रांसमिट तो बेसिकली द टोकन रिंग हार्डवेयर दैट इन समथिंग समिंग दैट इज़ नोन एज अ राउंड रॉबिन एक्सेस यानी जिसके पास टोकन जो है वो पहले पहुंचेगा दैट मशीन विल बी अलाउड टू ट्रांसमिट एंड अदर मशीन्स विल बी वेटिंग टू एक्चुअली गेट द टोकन एंड देन ट्रांसमिटिंग दैट डेटा और अब स्टूडेंट्स इसी तरह से अगर किसी भी मशीन के पास कोई डाटा जो है वो भेजने के लिए ना हो इन दैट स्पेसिफिक केस द टोकन विल कीप ऑन सर्कुलेटिंग ऑन द रिंग एंड अनलेस और अन्टेल सम मशीन्स एक्चुअली वॉन्ट्स टू ग्रैप द टोकन एंड देन वॉन्ट्स टू सेंड समू द टोकन रिंग नेटवर्क अब स्टूडेंट्स इस स्पेसिफिक केस में आप ये देखें कि इट इज मच सिंपलर एज कंपेयर टू द सी एस एम एस सी डी नेटवर्क बिकॉज इन दिस स्पेसिफिक केस मैंने आपको जैसे पहले बताया कि बेसिकली जो आपका टोकन रिंग हार्डवेयर है दैट द टोकन दैट मोनिटर्स ऑल द मैनेजमेंट डिटेल्स फॉर दिस टोकन रिंग नेटवर्क आपको पहले बताया कि अगर टोकन आपका लॉस्ट हो जाए इफ इट इज लॉस्ट इन दैट स्पेसिफिक केस हार्डवेयर इज सपोज टू री जनरेट एन अदर टोकन तो दिस इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ द टोकन रिंग नेटवर्क अब स्टूडेंट्स इस टोकन रिंग नेटवर्क के सिनेरियो में थोड़ी सी बात और करते चलें ऑफ आई बी एम टोकन रिंग आई बी एम इज बेसिकली अ कंपनी दैट यू शुड बी वेल नोन ऑफ एंड इट हैज़ ऑलरेडी प्रोवाइडेड अ टोकन रिंग टेक्नोलॉजी इस टोकन रिंग टेक्नोलॉजी जो कि आई बी एम की टेक्नोलॉजी है ओरिजिनली दिस टेक्नोलॉजी हैज़ अ स्पीड ऑफ फोर मेगाबिट्स पर सेकेंड नाउ द आई बी एम टोकन रिंग इज कन्फिगर्ड टू प्रोवाइड यू विद सिक्सटीन मेगाबिट्स पर सेकेंड और ये आई बी एम टोकन रिंग जो स्टूडेंट्स है इट इज सो कॉमन इट इज इट इज सच अ कॉमन टेक्निक ऑफ ऑफ टोकन रिंग नेटवर्क दैट वेन यू टॉक अबाउट टोकन रिंग इट ऑटोमेटिकली मीन्स दैट द स्पीकर इज टॉकिंग आई बी एम टोकन रिंग स्टूडेंट्स ये तो था थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अबाउट द टोकन रिंग स्टूडेंट्स लेट्स टॉक अबाउट अनदर टोकन रिंग टेक्नोलॉजी और ये रिंग टेक्नोलॉजी है ये है एफ डी डी आई फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरकनेक्ट स्टूडेंट्स एफ डी डी आई जो है दैट बेसिकली एम्प्लॉयज़ द फाइबर ऑप्टिक केबल बिटवीन डिफरेंट कंप्यूटर्स जैसे मैंने आपको पहले बताया इट्स अ टोकन रिंग टेक्नोलॉजी बट बेसिकली इट एम्प्लॉयज अ फाइबर ऑप्टिक केबल दैट इज़ कनेक्टिंग दैट इज़ रनिंग फ्रॉम वन कंप्यूटर टू द अदर इन द फॉर्म ऑफ अ क्लोज लूप या इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग एंड नॉर्मली we can have the data rates of up to hundred megabits per second from FTDI. Now uh, students, FTDI has a very interesting feature jo hai, that is basically its self-healing features. This self-healing feature networks is use this feature, we call them the self-healing networks. So FTDI is basically a self-healing network. And why is a self-healing network? And the reason

Specific, this set of rings, both of them have opposite directions. Both of them, they move the data in counterclockwise direction. So, this is the introduction about the FTDI. Let's move on to the slide, and figure, ke zariha, let's talk about this FTDI in small detail. dear students, as you figure that is basically showing you the FTDI network. Or it basically talks about how we can actually make this FTDI network a self healing network or how we can introduce reliability into this token ring network. Students, when you know token ring, one of the major disadvantages of token ring is that if somehow a machine goes down or a cable is cut from the middle, in case? Basically, the whole ring is being disturbed. और आपका जो डाटा है उसको कोई उसका कोई पाथ नहीं रह जाएगा एंड बेसिकली योर नेटवर्क इट फॉल्स डाउन एफ डी डी आई जैसे मैंने आपको पहले बताया इट यूज काउंटर रोटेटिंग रिंग्स इन विच बेसिकली द डाटा फ्लोज इन अपोजिट डरेक्शन तो अगर आप इस फिगर के ए पार्ट पे गौर करें तो आप ये देख सकते हैं तो आपके पास दो रिंग्स हैं जो कि सारी मशीन से पास हो रहे हैं और इस स्पेसिफिक केस में दोनों रिंग्स के ऊपर जो डेटा का ट्रैफिक फ्लो है दैट इज इन द काउंटर

फेलियर होगा तो लूप बैक जो मैंने आपको बताया उसका कॉन्सेप्ट क्या होगा वो आप फिगर बी में अगर गौर करें इन दिस स्पेसिफिक केस आप ये देखें कि यू हैव अ फेल्ड स्टेशन जिस स्टेशन के ऊपर क्रॉस लगा हुआ है दैट इज बेसिकली आर फेल्ड स्टेशन अगर इस केस में हमारे पास एक ही रिंग होता तो आर नेटवर्क वुड हैव फॉल एंड डाउन आपकी सारी ट्रांसमिशन जो है वो खत्म हो जाती है इस नेटवर्क पे बट इन द केस ऑफ एफ डी डी आई इट इंट्रोड्यूस रिलाईबिलिटी बाई प्रोवाइडिंग आ स्टैंड बाई इनर रेंग और आप ये देखें कि द स्टेशन दैट इज एडजन टू द फेलियर स्टेशन वो क्या करेगा कि इट बेसिकली इंट्रोड्यूस अ लूप बैक आपका जो डाटा है जो कि आउटर रिंग पे जा रहा था वो इनर रिंग पे जो कि काउंटर क्लाक वाइज डायरेक्शन में डाटा ट्रैफिक को भेज रहा है उस पर वो लूप बैक करेगा एंड योर ट्रैफिक इट कीप्स ऑन फ्लोइंग आपका नेटवर्क जो है वो भी बेसिकली इट विल नॉट फॉल डाउन योर नेटवर्क विल स्टे And you can easily go ahead and you can easily make that failed station up once again. This is how FDI actually introduces reliability in the case of token ring networks. After this concept of FTDI, Fiber Distributed Data Interconnect. Last, we will talk about an example STAR technology, and that STAR technology is the ATM or the Asynchronous. ट्रांसफर मोड स्टूडेंट्स इसको हम ए टी एम को एक बेसिकली स्टार टेक्नोलॉजी क्यों बोलते हैं आइए एक बार फिर स्लाइड पर चलते हैं एंड लेट्स लुक एट ए टिपिकल ए टी एम स्विच के इस ए टी एम स्विच के साथ कंप्यूटर्स जो हैं वो किस तरह से डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार टोलॉजी स्टूडेंट्स इन दिस स्पेसिफिक फिगर यू कैन सी एन इलेक्ट्रॉनिक ए टी एम स्विच ए संस ट्रांसफ़र मोड स्विच as you can also see in the figure, it consists of electronic packet switches to which the computers can directly connect. So basically just switch hai, they can be set to be as a central hub into which computers connect in a star topology. So to advantage is the basic advantage in case of star topology ka, ke basically the point-to-point -point connections between the computers and the switch, they actually make दिस नेटवर्क रिजिलियंट वो किस तरह से और सिक्योर वो किस तरह से क्या आपका जो भी डाटा है इफ़ फॉर एग्जाम्पल वन मशीन्स वॉन्ट टू सेंड इस डेटा टू द अदर तो वो डाटा जो है वो उसी स्पेसिफिक मशीन को जो कि डेस्टिनेशन मशीन है उसको ट्रांसमिट किया जाएगा ये ए टी एम स्विच जो कि इलेक्ट्रॉनिक स्विच है इट विल नॉट फॉर्वर्ड दैट पैकेट टू ऑल द मशीन्स और ऑल द कंप्यूटर्स डेट आर एक्चुअली कनेक्टेड टू दैट ए टी एम स्विच सो द डाटा विल ओनली बी ट्रांसमिटेड टू द एग्जैक्ट डेस्टिनेशन अब स्टूडेंट इस स्पेसिफिक केस में वी यू टॉक अबाउट द डेटा रेट बिटवीन ईच ऑफ दिज इंडिविजुअल कंप्यूटर्स एंड दिस इलेक्ट्रॉनिक स्विच तो डेटा रेट जो हमारा है वो है 155 मेगाबिट्स पर सेकंड। और इतना ज्यादा डेटा रेट क्यों हमें यहाँ से मिलता है बिकॉज इन दिस एटीएम टेक्नोलॉजी वी बेसिकली यूज फाइबर ऑप्टिक लिंक्स टू कनेक्ट कम्प्यूटर्स टू द स्विच स्टूडेंट्स हर हमारे लिंक में जो हमारा कंप्यूटर और इस स्विच के दरमियान जो भी लिंक है बेसिकली वी आर गोइंग टू हैव टू फाइबर इन ईच कनेक्शन अगली स्लाइड की जाने चलते हैं एंड लेट मी शो यू दिस दिज टू फाइबर्स और द कनेक्शन ऑफ ईच ऑफ द कंप्यूटर्स विद द ए टी एम स्विच अब फूडेंट्स इस स्पेसिफिक फिगर में अगर आप लेफ्ट हैंड साइड वाली फिगर के ऊपर देखे, तो देखें यू कैन सी अ कंप्यूटर दैट इज अटैच टू द ए टी एम स्विच तो आप ये देखेंगे दो पेयर ऑफ फाइबर्स हैं जो कि इस कंप्यूटर को इस एटीएम स्विच से अटैच कर रही हैं वन ऑफ देम इट कैरीज डाटा टू द स्विच एंड अद वन इट कैरीज डाटा फ्रॉम द स्विच टू द कंप्यूटर। ये दोनों फाइबर्स जो हैं दे आर बेसिकली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर फॉर अदर वर्ड्स आप ये देखें कि इस स्पेसिफिक केस में बहुत द फाइबर्स दे आर एक्चुअली कनेक्टेड टू द ट्रांसमिटिंग एंड ऑफ वन डिवाइस एंड द रिसविंग एंड ऑफ द अदर डिवाइस फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू मेक श्योर कि अगर कंप्यूटर के एंड पे एक फाइबर जो है वो ट्रांसमिशन साइड से कनेक्टेड है तो दूसरी दूसरा एंड फाइबर का ए टी एम स्वच स्विच के रिसिविंग साइड से कनेक्टेड हो ताकि कंप्यूटर जो कुछ भी ट्रांसमिट कर रहा है वो ए टी एम स्विच रिसीव करे सिमिलरली फॉर द अदर फाइबर आपका जो ट्रांसमिटिंग एंड ऑफ स्विच जो है दैट शुड भी कनेक्टेड टू द रिसीविंग एंड ऑफ द कंप्यूटर अब स्टूडेंट इसी फॉर्मेशन की एक रियल टाइम डायग्राम जो कि बेसिकली मैंने आपकी इस बुक की वेबसाइट से ही ली है आप ये देख सकते हैं कि बेसिकली इस फिगर में आपको कंप्यूटर के साथ एक ऑरेंज पेयर जो है एक ऑरेंज पेयर ऑफ वायर्स जो है वो नज़र आ रहा है एंड बेसिकली दिस ऑरेंज पेयर ऑफ फाइबर्स इज बेसिकली योर आर पेयर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स वेन यू यू विल बी टॉकिंग अबाउट फाइबर ऑप्टिक केबल तो इट्स गोइंग टू बी ऑरेंज इन कलर तो आप ये देखेंगे दो आपको यहाँ पे फाइबर के पेयर्स नजर आ रहे हैं दे आर बेसिकली कनेक्टेड फ्राम दिस कंप्यूटर टू द ए टी एम स्विच स्टूडेंट्स कुछ रियल टाइम डायग्राम्स ए टी एम स्विच की भी देख लें तो इस केस में देखें कि यू कैन एक्चुअली सी द रेयर एंड द फ्रंट व्यू ऑफ एन ए टी एम स्विच तो आप ये देख सकते हैं कि बेसिकली ऑल दोज फाइबर पेयर्स दैट वर कमिंग फ्राम द कंप्यूटर्स आपके पास इस वक्त चार जो कंप्यूटर्स हैं वो कनेक्टेड हैं क्योंकि हमारे पास दो ऑप्टिकल फाइबर्स हैं फॉर ईच ऑफ द कंप्यूटर्स वन इज कनेक्टेड टू द ट्रांसमिटिंग एंड ऑफ द एटीएम स्विच एंड द अदर पार्ट ऑफ दिस फाइबर पेयर इज कनेक्टेड टू द रिसीविंग एंड ऑफ द एटीएम स्विच यू कैन सी द फ्रंट एंड व्यू ऑफ अ फाइबर ऑप्टिकेबल तो बेसिकली दीज आर टू रियल टाइम वर्जन ऑफ हाउ एन ए स्विच एक्चुअली लुक्स लाइक स्टूडेंट्स दिस वॉज लिटल बेट अबाउट द ए टेक्नोलॉजी इसके साथ ही वी हैव रीच्ड द एंड ऑफ आर चैप्टर नंबर एट और इस स्पेसिफिक चैप्टर में हम लोगों ने यह देखा कि किस तरह से बेसिकली जो आपकी डिफरेंट लैंड टपोलॉजीज हैं दैट आर एक्चुअली इम्प्लीमेंटेड बाई यूजिंग डिफरेंट टेक्नोलॉजीज तब स्टूडेंट्स इससे पहले कि हम आज के लेक्चर को ख़त्म करें लेट्स गो बैक टू टूडेज लेक्चर एंड लेट्स हैव अ ब्रीफ़ समरी ऑफ वट वी वेंट थ्रू इन टूडेज लेक्चर स्टूडेंट्स आज की डिस्कशन को हम लोगों ने स्टार्ट किया विद टॉकिंग अबाउट द सी एस एम ए सी डी इथरनेट एक्सेस टेक्निक उसको थोड़ा सा मैंने डिस्कस किया बेसिकली सी एस एम ए को हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कवर किया था उस डिस्कशन को आज हम लोगों ने ख़त्म किया एंड वी टॉक लिटल बट अबाउट द सी डी द कोलिजन डिटेक्शन एस्पेक्ट ऑफ दिस सी एस एम ए सी डी तो थोड़ा सा स्टूडेंट्स मैंने आपको बाइंडरी बैक ऑफ जो है उसका कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की किस तरह से इफ़ अ कोलिजन हैपन्स द कंप्यूटर बैक्स ऑफ and then selects a time from a random delay time from 0 up till the maximum time and if still a collision, it keeps on doubling that random time. Students, this was a little bit of the concept of collision detection. After that, students, we talked about the wireless LANs, the 802.11 standard of IEEE and I told you in this specific case, other than the salient features of wireless, we also use CSMA CA instead of CSMA CD as the access technique. So, basically, collision detection bulk collision avoidance we use. Karte. And in this specific case, I told you that the sender actually sends a control message to the receiver and reserves a slot. This is what we call as the carrier sense multiple access with collision avoidance. उसके बाद स्टूडेंट्स थोड़ी सी हम लोगों ने बात की अबाउट द टोकन रिंग नेटवर्क्स और टोकन रिंग नेटवर्क के केस में मैंने आपको ये बताया कि द एक्सेस टेक्निक इज बेसिकली इंप्लीमेंटेड बाय यूजिंग अ कॉन्सेप्ट ऑफ टोकनस फिर इस टोकन रिंग नेटवर्क्स के एग्जांपल के तौर पे वी वेंट इन द डिस्कशन ऑफ एफ फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरकनेक्ट मैंने आपको बताया कि किस तरह से दिस एफ इज सर्वस एज अ सेल्फ हीलिंग नेटवर्क किस तरह से अगर एक स्टेशन या एक केबल कट हो जाए या एक स्टेशन फेल हो जाए तो इट एक्चुअली लूप्स बैक द नियरेस्ट स्टेशन लूप्स बैक एंड देन यू कैन यू नो कीप ऑन ट्रांसमिटिंग द फ्लो ऑफ योर डेटा विदाउट बीइंग योर नेटवर्क गोइंग डाउन उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोगों ने बात की एटीएम की एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड एन एग्जाम्पल ऑफ स्टार नेटवर्क और इस केस में मैंने आपको बताया कि बेसिकली ऑल आर कंप्यूटर्स आर अटैच टू अ सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक पैकेट स्विच जिसको हम हब भी बोलते हैं इस केस में इट इट एक्चुअली वर्कस एज अ हब और इस केस में अ फाइबर अ पेयर ऑफ फाइबर कनेक्ट्स ईच ऑफ़ द कंप्यूटर्स विद द ए टी एम स्विच और डेटा रेट आपने देखा इट एक्चुअली प्रोवाइड्स एस विद एन एन क्रेडिबल डाटा रेट ऑफ वन फिफ्टी फाइव मेगाबेट्स पर सेकेंड कुछ रियल टाइम पिक्चर्स भी मैंने आपको दिखाई जो कि बेसिकली आपकी बुक्स की वेबसाइट से ही ली गई थी एंड आई ट्राई टू टेल यू कि हाउ डज़ अ रियल टाइम ए टी एम स्विच इट एक्चुअली लुक्स लाइक and i also showed you some fiber pair connections from the computer to the switch and then those fiber pairs going inside the atm switch. students, we are going to close down our lecture out here. again, lecture you have to in the office.